جن کی وہ موضوعات آج کے ماحول میں موجود قرار نہیں پاتے
इसलिए जरूरत इस बात की मुनाजरे के अंदाज में तब्दीली होगी और इल्मी मुना और तशय्यों की हकानियत के लिए दलायल और बराहीन के देने का अंदाज भी तब्दील होना चाहिए था। जैसा कि अलहराजात का है, जैसे हुकूमत का है, जैसे अली शमसुद्दीन ने जो अंदाज अपनाया है, इस किस्म के अंदाज की तब्दीली चाहिए थी, ये तब्दीली होनी चाहिए, जरूरी है। और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो आगे बढ़े और नया अंदाज मुनाजरे का मुतारफ कराए ताकि तशय्यों के हकायक के लिए हकायक बयान करने का एक नया अंदाज सामने आए और लोगों को इस दौर के तकाजों के मुताबिक उन तक तशय्यों के हकायक पहुँचते रहे। जो कुछ हो रहा है, जो बयान किया जा रहा है, वो बहुत कमजोर अंदाज है तशय्यों के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। इल्मी अंदाज आना चाहिए, हकीकी अंदाज आना चाहिए, लेकिन वो उन आलाइशों से मुबर्रा हो जिनकी वजह से तशय्यों के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है। यही वजह है कि आज मुनाजरे का बाब बंद हुआ, तशय्यों के हकायक बयान करने का तरीका जो है वो रुका, तो एक मस्त सुधा चेहरा तशय्यों का पेश करने के लिए रोज कर। आज तशय्यों के नाम पर जो पेश किया जा रहा है बाद जवान की तरफ से, उसका तशय्यों से कोई ताल्लुक नहीं है। तशय्यों आज का मतलब नहीं है, तशय्यों मकतब तशय्यों इस्लाम की सबसे पहली, सबसे औला और सबसे आला तशय्यों है जो सदियों से मौजूद है। आज किसी शख्स वाकई पहुंचता जो तशय्यों के बारे में सारे शायद मेरी अबियत से भी वाकिफ न हो, वो आज तक तशय्यों के बारे में इजहार ख्याल कर मजबूर किसी और मौके पर मजीद में इस पर तफसील डालना। और मैं कह चुका इसको रोकना मेरी जिम्मेदारी से पैगाम भिजवा रहा हूँ, आपके जरिए अपने पैगाम भिजवाता हूँ। तशय्यों के चेहरे को मस्त कर रहे हैं, इसके बाद तशय्यों के हकायक की आज के दिन में सदियों से चले आ रहे बड़े वाले और रोशन उन हकायक से हटकर तशय्यों के नाम की किसी को चीज को पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और सही नहीं है, इसलिए मैं अपने रात को मुतवज्जे करता हूँ, आपको बानियान इमाम बारगाह और वफादारी के जो लोग कराने वाले हैं उनको मुतवज्जे करता हूँ, उन लोगों को रोके तशय्यों के हकायक के से हट कर विवाद न करें। हमने सोच के अंदर और कामों के अलावा मैं बात करूंगा और मुझे अपने हवाले से बात करना नहीं थी, लेकिन हमने ये काम किया वो तशय्यों का रोशन चेहरा दीनी मकासिद के अंदर कुछ शनास कराया, जिंदगी का एक हिस्सा कराइए कुछ शनास कराते हैं और ऐसा कुछ शनास कराया कि आज बर सही के अंदर मैं इसे एक तब्दीली कह सकता हूँ। जो लोग हालात जानते हैं मुझे अपने वक्त नहीं है, मैं आपको तफसील बताऊँ मैं कैसे को कैसे चला और कैसे को और शीनों पर क्या गुजरी इस किस्से के अंदर आज और तशय्यों पर कितनी इंसान तराशियाँ होती नहीं और तशय्यों के खिलाफ क्या क्या बातें हुई। आज मुस्तरद मसाले के मौजूद हैं, उनके मुस्तरद मकाम से तशय्यों के खिलाफ इल्जाम तराशी लुप्त हुई है। शरीर में पहली मतलब जैसे मैं कहता रहा था, उम्र शरीर में पहली मतलब जाकर तशय्यों की नुमाइंदगी करते हुए हमने और तसन्नुम की नुमाइंदगी करते हुए और एक और शख्सियत ने पहले जाता है अखलाक दस्तक किए जिसके बाद रोह के लिए जाता है अखलाक ने हर जगह बताई लेकिन नए जाता अखलाक बनाया
ऐसे जो की तरफ से और दूसरी तरफ से दस्तक इसलिए भारत को होना होना चाहिए अहमदाबाद में अच्छे अहमदाब में तशैयों के हकायक बयान होने चाहिए तशैयों के चेहरे को बस करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए बड़ी मुश्किल है इसलिए कि मुझे हो रहा है कि पूरा लोग मूसा और लोग जाओ फिरौन के पास इन्ना उल्लाह वो सब सबसे बड़ा सरकश था कोई लेकिन पूरा लोग कौन लेकिन नरमी से उसे पूर करना अल्लाह ने तज़क्कर वो यक्षा ताकि वो नसीहत हासिल कर ले और डर जाए इसलिए नरमी से बात करना मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूँ खराबी को और बिगाड़ को जो कौम के अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही नजरअंदाज नहीं कर सकता इसके लिए ये नरमी से पैगाम और उसके बाद जो दूसरे मराए हैं वो इख्तियार करने होंगे हमने मराने की खिदमत में अभ्यास पेश कर दिए अभी इसकी तफसील का वक्त नहीं है मैं और बात करना चाहता हूँ